राष्ट्रपति और बड़े जो नेता हैं वो पहुंचते हैं इन कार्यक्रमों में। जी बिल्कुल चंदन, आप सही कहा कि दिल्ली क्योंकि बहुत ही खास जगह है, दिल्ली में कई शक्तिपीठ हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो पूजा पाठ होती है बहुत ही लोगों के नज़रों में होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहते हैं और अधिकतर लोग जो हैं दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी इतनी आबादी है और अगल बगल के जो शहर है चाहे उत्तर प्रदेश के किसी जिले से आ रहे हो वो भी लोग आते हैं, उसको लेकर के यहाँ पर व्यवस्था जो है सख्त की जाती है। आपको मैं बताऊँ कि लाल किले में भी अलग अलग जगहों पर, और वो बहुत पुराने ऐसे सेंटर्स हैं, स्थान हैं जहाँ पर इस तरीके की पूजा पाठ की जाती है। वैसे ही द्वारका में आप बात करें तो द्वारका में भी इस तरीके की पूजा जो है की जा रही है। आज जिस तरीके से कार्यक्रम है द्वारका में, बड़ा कार्यक्रम होने वाला है क्योंकि पूरे दिल्ली में सबसे बड़ा जो रावण दहन होने वाला है वो द्वारका में होने वाला है, तो इसी तरीके की व्यवस्था पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पर की जाती है। जो लाल किला में जो किया जाता है, लाल किले में अगर बात करें तो लाल किले में राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक आते हैं, पुराने जो नेता रहे हैं वो भी वहाँ पर आते रहे हैं, और बहुत ही केंद्र का विषय जो है वो बहुत ही वहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस हिसाब से पूरे दिल्ली में ट्रैफिक भी इस तरीके से आज होगी, उसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी आज आपको देखने को पूरी दिल्ली में मिलेगी, और जो लोगों की भीड़ है वो दूर दराज से आने वाली है, तो इस हिसाब से मेट्रो भी अपनी तैयारी करने में लगा हुआ है, और जो DTC की बसें हैं, क्योंकि अधिकतर लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में जो है वो मेट्रो और DTC बस है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सख्त की गई है। साथ ही साथ जितने भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो सेंटर्स हैं, चाहे हम कश्मीरी गेट की बात करें या हम आनंद विहार की बात करें या नई दिल्ली की बात करें, इन सभी जगहों पर जो अलग से व्यवस्था की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वहाँ पर तैनात किए गए हैं, और हर आने वाली ट्रेन या हर आने वाले लोगों के ऊपर नज़र बनाए हुए है कि किसी तरीके से, क्योंकि अब त्योहारों के सीजन में कुछ ना कुछ जो उपद्रवी लोग होते हैं या सामाजिक तत्व होते हैं वो कोशिश में होते हैं कि कुछ इस तरीके के काम किए जाएँ जिससे कि देश में अशांति फैले, जो शहर है वो अशांत हो, उस सब को फेल करने के लिए दिल्ली पुलिस समेत जितने भी सुरक्षा एजेंसी हैं वो सभी लगे हुए हैं। अभी मैं जैसे झंडे वाला में आप दिखाऊँ, मैं आपको कि भक्त के साथ आपको पुलिस वाले भी दिखाई देंगे कि जिस तरीके से आप चाहे महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष पुलिसकर्मी हो वो भी यहाँ पर तैनात है, साथ ही सेवादार जो हो वो भी तैनात हैं, और सेवादार को देखेंगे पुलिस वाले देखेंगे, हर एक व्यक्ति के साथ वो पर्सनल कनेक्ट करने की कोशिश में है कि किसी तरीके से कोई इस तरीके का अनहोनी ना हो, कोई ऐसी जो भीड़ की स्थिति उत्पन्न हो जो अनियंत्रित हो जाए, सब पूरी कोशिश जो है की जा रही है। पूरी दिल्ली में कई CCTV कैमरे हैं, सबको कंट्रोल रूम से देखा जा रहा है कि किस तरीके से लोग आना जाना कर रहे हैं, क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति है या संदिग्ध गतिविधियों को वो अंजाम दे रहा है, उन सभी चीज़ों की कोशिश की जा रही है कि सभी जो चीज़ें हैं उनको उन पे नज़र बनाया जा सके, उन सभी चीज़ों को देखा जा सके। तो दिल्ली में खासतौर से दशहरा के समय में जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उसको पुख्ता करने की पूरी कोशिश की जाती है, किसी तरीके से अनहोनी ना हो, कोई आप देखेंगे कि जितने भी पूजा पंडाल हैं या जितने भी जो जहां पे रावण दहन किए जाते हैं सभी जगह मेटल डिटेक्टर मशीन से लोगों की चेकिंग की जाती है कि कोई मेटल संबंधी चीज़ जो है वो लेके तो अंदर नहीं जा रहा, कोई हथियार लेके तो नहीं जा रहा है, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। अभी मेट्रो स्टेशन में खासतौर से जो व्यवस्था की गई है, जहाँ पर एक जगह पर आप मेट्रो में जब एंट्री करते हैं तो मेटल डिटेक्टर से पार करने के बाद आपकी जो CISF के जवान होते हैं एक बार जेब की तलाशी लेते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे कि दोनों आप मेट्रो के अंदर घुसते वक्त भी और दूसरे यानी कि दोहरी लेयर जो है वो जारी लगाए गए हैं ताकि किसी तरीके से कोई भी अनहोनी, कोई भी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो उत्पन्न ना हो, ये पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। जी चंदन, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता पूरी दिल्ली में आज विजयदशमी के मौके पर नजर आ रही है, संभव कालका जी से लगातार बने हुए, संभव कालका जी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त जो पहुँच रहे हैं वो लगातार आप दिखाई रहे, लेकिन इसके अलावा मंदिर परिसर में आज विजयदशमी को लेकर क्या कुछ खास है? देखिए, सुबह से हम लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, पैन करें, एक लॉन्ग शॉट दिखाएं किस तरह से यहाँ पर जनसैलाब बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम सुबह रिपोर्ट कर रहे थे और हम कह रहे थे कि ज़्यादा जनसैलाब नहीं है, लेकिन 8 बजे के बाद एक ऐसा समय रहा कि इतनी ज़्यादा भीड़ रही इस मंदिर में और अभी भी उसे देखा जा सकता है, लगातार भीड़ और जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, और सिक्योरिटी मेजर्स भी उसी तरह से लिए गए हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस तैनात है, पिछले कुछ दिनों जब हम रिपोर्ट कर रहे थे यहाँ से लाइव तो भी दिल्ली पुलिस तैनात थी लेकिन इतनी संख्या में नहीं थी, आज जो दिल्ली पुलिस तैनात है आज उसकी संख्या बढ़ी हुई है, ज़्यादा लोग तैनात किए गए हैं,
और मेरे बाईं तरफ जो रास्ता है वो एग्जिट का रास्ता है, निकलने का रास्ता है, दाहिने तरफ एंट्री का रास्ता है, बीच में ये गर्भगृह है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश से रिक्वेस्ट करूंगा कि सीधे पैन करके शॉट्स दिखाएं गर्भगृह के, जो जो हमारे साथ अब जुड़े हैं, जो हमारे दर्शक अब सीधे इंडिया न्यूज़ पे जुड़े हैं वो सीधे देख सके गर्भगृह की लाइव तस्वीरें। यहाँ पर एक तरफ जनता किस तरह से जो जनसैलाब है निकल रहा है, दूसरी तरफ से एंट्री हो रही है, बीच में ये जो प्रतिमा है माता रानी की, जिसका एक इतिहास है, जो लगभग 3000 साल से कही जाती है कि उसकी मान्यता है, लोगों की भक्ति है, भाव है, श्रद्धा है। किसी ने कहा कि मैं बीमार थी और मैं यहाँ आके सही हुई, कई कुछ लोग डेंगू के पेशेंट हैं फिर भी यहाँ आ रहे हैं। यहाँ जो दर्शन, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, एक दो लोगों से बात करूँगा। माता जी आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, करावल नगर से। अच्छा। माता रानी में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, मैं इनकी शक्ति को बयान नहीं कर सकती, बहुत शक्ति है माता रानी। कब से आप, कितने बजे चले, कब दर्शन हुए आपको, कितनी देर लाइन में लगे, वो थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। और जिस तरह से आपने, आप भावुक हो रहे हैं बताते हुए कि क्या शक्ति है, आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया, और वो भी कुछ बताएं। मैं 30 साल से आ रही हूँ यहाँ, लेकिन माता रानी ने मेरे सारे काम बनाए। मैं कुछ भी नहीं थी जब दिल्ली में आई, लेकिन मैंने जब यहाँ का रास्ता पकड़ा तो माता रानी ने सारे रास्ते मेरे खोल दिए, बंद दरबार सारे खोल दिए मेरी माई। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरे बच्चे, मेरा आदमी, सब कुछ, सब ठीक ठाक है, सब माता रानी की कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए आपकी, इनसे बात करते हुए मुझे भी एक एक पल ऐसा लगा कि मुझे भी आंसू आ सकते हैं। भावुक हैं भक्त, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं सीधे अपने भगवान से, अपनी ड्यूटी से, अपने गॉड से, अपने ईश्वर से। और यहाँ पर अपने इष्ट की, अपने आराध्य की सीधे दर्शन करने लंबी कतारें लगती हैं। मैं जब पहले दिन यहाँ आया तो मैं आश्चर्यचकित था, 5 लाइन्स थी और पूरी भीड़ से मतलब भरी हुई, और उसके बाद एक लंबी लाइन को, कतार को चीरते हुए, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस और अलग जो सिक्योरिटी कर्मी हैं उनको, उनके साथ कोऑपरेट करते हुए, उनके साथ सामंजस्य बिठाते हुए सभी श्रद्धालु अंदर आते हैं, दर्शन करते हैं और दर्शन करके शांतिपूर्वक बाहर जाते हैं। अगर कोई सिक्योरिटी पर्सनल ये कहता है कि आप यहाँ से ना जाके वहाँ से जाइए तो दोबारा नहीं कहना पड़ता, वो मान जाते हैं। हालाँकि एक शिकायत श्रद्धालुओं की यहाँ कालका जी मंदिर में है, इस प्रसिद्ध कालका जी मंदिर में, कि यहाँ 2 लाइन लगती हैं, एक VIP लाइन, एक नॉर्मल लाइन। तो VIP दर्शन क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं सभी एक ही लाइन में आए? बहरहाल ये अलग अलग राय है, अलग अलग मत है, अलग अलग श्रद्धा है, लेकिन एक चीज साफ है, श्रद्धा अटूट है, लोगों की बहुत गहरी श्रद्धा है। और नवरात्र में हमने पहले दिन से और आज विजयदशमी के दिन तक लगातार इंडिया न्यूज़ पे तस्वीरें दिखाई हैं कालका जी से। हम हर रोज़ लाइव जाते हैं, देश को बताते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है। आज विजयदशमी है, मैं अंदर गया, मैंने पुजारियों से बात की, मैं सीधे अभी भी जा सकता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अंदर फ्रेम फ्रीज हो जाता है और लाइव हम वहाँ से नहीं कर पाते, नेटवर्क इशू आता है गर्भगृह में, इसलिए हम यहाँ से लाइव कर रहे हैं। विजयदशमी का जो पुजारियों ने यहाँ के बताया है उसका शुभ मुहूर्त 10 बजे के बाद से शुरू हो रहा है और शाम तक रहेगा, और ये पर्व अच्छाई की जीत के लिए है, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है, विजयदशमी का पर्व है, देश में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ट्वीट करके देश को विजयदशमी की बधाई दे रहे हैं। मैं यहाँ कालका जी मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल तमाम तस्वीरें संभव कालका जी मंदिर से दिखा रहे हैं। समय बहुत कम है, मैं जल्दी से आदित्य का एक बार रुख कर लेता हूं। आदित्य एक बार आप झंडे वाला मंदिर की भी तस्वीरें दर्शकों को दिखा दीजिए और आपके आसपास कुछ श्रद्धालु नजर आए उनसे भी बात कीजिए। अजी चंद्र मैं आपको दिखाऊं कि देखिए कि जिस वक्त हम सुबह जब आए थे, जिस वक्त दर्शकों को दिखा रहे थे, उस वक्त भी भक्तों की जो कतार है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से थी, और अभी भी क्योंकि 1.5 घंटा बीत चुका है और लगातार भक्तों का आना जाना जो है वो चालू है। आप देखिए माता का जो दर्शन है वो आप सीधा कर सकते हैं यहाँ से, और जो गर्भगृह है आप वहाँ पर देखेंगे कि भगवान किस तरीके से विराजमान हैं और लोग दर्शन करते हुए लगातार यहां से जा रहे हैं। हमने बात किया था पुजारियों से भी, पुजारियों का साफ कहना था कि कोई खास विधि विधान नहीं, माता हर तरीके से खुश होती हैं, जैसे भक्त की मर्जी, जिस भक्त की जितनी क्षमता उस अनुसार वो पूजा पाठ कर सकते हैं उस हिसाब से वो
भक्ति कर सकते हैं। कुछ भक्तों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि कब से वो इंतजार कर रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, किन किन माता जी दर्शन हो गए? ओके, दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। कितने देर से इंतजार कर रही थी? मैं तो 9 दिन से कर रही थी। खूब अच्छे दर्शन हुए हैं बेटा मेरे, ऐसे भगवान ही सबको दर्शन दे जैसे मुझे दिया है। बहुत बढ़िया दिया मुझे, बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़कर तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। आइए सीधा आपको